असाइनमेंट ऑफ गुरजोत, ठीक है। गुरजोत के असाइनमेंट में ऑल अदर क्वेश्चंस आर करेक्ट, बस एक क्वेश्चन उसमें नहीं जो है ठीक लगा मुझे, वो ये है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, असाइनमेंट नंबर 1, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट सेम एज अंडर रूट एनर्जी अपॉन मास। तो आपने उसमें लिखा लेटेंट हीट, वो आपने अंडर रूट नहीं लिया उसमें, तो अंडर रूट लेके वो क्या बनेगा वो देखिए, एनर्जी ओवर मास का यूनिट, यूनिट करना है ना हमें, तो यूनिट एनर्जी इज जाउल, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, तो और मास का केजी, राइट। अब फर्दर जाउल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर, यू नो दैट जाउल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर, एंड फर्दर न्यूटन कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये मैंने अभी न्यूटन को लिखा है, इनटू मीटर और डिवाइडेड बाय केजी है साथ में। आई होप यू आर गेटिंग दी स्टेप्स। गुरजोत इज दैट क्लियर? ओके, देन 1 kg गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद अंडर द रूट एम स्क्वेयर ओवर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर ओवर सेकेंड स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट के साथ इसको कैंसल आउट कर दीजिए, यू आर लेफ्ट विद यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। सो आंसर इज विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज अंडर रूट एनर्जी ओवर मास, तो आपका आंसर स्पीड या वेलोसिटी होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर टू द 8th क्वेश्चन, दैट इज स्पीड इधर और वेलोसिटी, राइट। एंड वन थिंग मोर आई नोटिस दैट इन 3rd क्वेश्चन, पहले यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? गुरजोत इज दैट फाइन? गुरजोत इज दैट फाइन? आई हैव नॉट म्यूटेड एनीबॉडी। यस मैम। ओके, तो बस ये करेक्ट कर लेना, बाकी आपके सारे करेक्ट है मैंने देख लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट रह गया था आपका, ऑल्सो फाइंड द ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन डेज, ये वाला पार्ट आई थिंक आपने नहीं उसमें कवर किया हुआ, तो फॉर दैट पर्पस मैम ये डाउट। हाँ जी, किया हुआ है? नहीं मैम, किया नहीं था, मेरा डाउट ही ये पार्ट था। हाँ, उसमें आपने ये यूज करना है केप्लर्स थर्ड लॉ, थर्ड क्वेश्चन के जो लास्ट पार्ट में ऑल्सो फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन डेज, तो यू हैव टू यूज केप्लर्स लॉ हियर, केप्लर्स मेथड, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आई थिंक बाय दैट टाइम हमने वो कवर नहीं किया हुआ था, इसलिए आपका रह गया होगा। इफ यू वांट तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, बताइए करना है पूरा सॉल्व कि अब आप पहले ट्राई करोगे? यस मैम, एक बार बता दो, मैंने किया एक बार ट्राई, मेरे से हुआ नहीं। किया ट्राई, ओके चलिए ये कर लो। तो स्टेटमेंट, लेट मी सी द स्टेटमेंट फर्स्ट, या इट वाज इफ द डिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन, मैक्सिमम इलोंगेशन इन केस ऑफ अ प्लैनेट इज 50 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन एंड दैट बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। वो तो आपने कॉपरनिकस मेथड से कर लिया। Find the orbital time period of planet in days. So let's write the data first. तो यहाँ पे data हमारे पास है T1 Earth का 1 year है और distance आपको पता है 1 AU 1.496 into 10^11 meter है। T2 आपको find करना है and R2 is 0.7660 इंटू 1.496 इंटू 10^11 मीटर, मतलब जो आपने ऊपर फाइंड कर लिया हुआ है ऑलरेडी 1.145 समथिंग इंटू 10^11 मीटर। गुरजोत उसमें कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक उसमें आपने 1.13 कुछ लिखा हुआ है, बट आप 0.7660 पूरा लें अगर तो ये आता है, आपका थोड़ा सा राउंडेड ऑफ आंसर है वहां पे 1.13 कुछ ऐसा है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। हाँ जी दिवांशी बोलो। यस दिवांशी, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड, बोलिए बोलो दिवांशी।
तो हमने इनको डिवाइड किया. यस दिवांशी बोलो. दिवांशी हाँ बोलो. पॉइंट 7660. अब इसको आप जैसे मर्जी अपने वे से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपका आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 0.007660 इंटू 87.5. तो अब इसको सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा ना वैल्यूज पुट करके. ये मतलब बेसिकली आपको R2 ओवर R1 का क्यूब सॉल्व करना है. ठीक है, तो जैसे मर्जी कर दीजिए, वो आपकी विश है. तो 1.145 इंटू 10^11 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.496 इंटू 10^11. इसको सॉल्व आपने अपने वे से करना है, जैसे मर्जी कर लीजिए. आंसर आएगा 244.697 समथिंग डेज. ये आपका आंसर. ठीक है, अब आज ये आप चेक कर लीजिए. अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस टुमॉरो. चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट असाइनमेंट नंबर 1. एनी अदर प्रॉब्लम टू एनी अदर स्टूडेंट? ये तो दो प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे गुरजोत के. और किसी बच्चे को कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स हरी अप. एनी डाउट फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 1? रेज हैंड. चलिए सबकी हो गई है एटलीस्ट. आई अज्यूम कि सबने ट्राई की है. ऐसे ही मत कह देना कि हमने कर ली है. प्लीज ट्राई दैट इफ यू वांट टू गेट रियली गुड मार्क्स. प्लीज ट्राई दीज असाइनमेंट्स योरसेल्फ. ठीक है, चलिए फिर हम सेकंड असाइनमेंट डाइमेंशंस की देखें. हाँ बोलो गुरजोत, क्या डाउट है उसमें? तो किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं की है अभी. यस yes, क्या डाउट्स हैं आपके? क्वेश्चन नंबर यू वर सेइंग क्वेश्चन नंबर 7. मैम वो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, वही मैं कह रही हूँ. चलो वो कर लो पहले, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं. असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6. तो यू आर गिवन हियर 3 डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज. एक्सेलरेशन की आपको दी गई है अल्फा बीटा माइनस 2. ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी की डायमेंशन दे हैव गिवन अल्फा बीटा माइनस 1 एंड लेंथ की डायमेंशन उन्होंने दी हुई है अल्फा गामा. डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है तीनों का. ठीक है, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे आर आस्क्ड. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ दीज अल्फा बीटा गामा क्या होगी, दैट वी आर टू सॉल्व. तो यू नो अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा. आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम को इस तरह से अरेंज करना है कि उनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके हमारा डायमेंशनलेस आए. हमें डायमेंशनलेस नंबर मिलना चाहिए वहां से. तो अगर आप ये ट्राई करो वी स्क्वेयर, अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद वी स्क्वायर ओवर ए टी सॉल्व करते हो, देखे चेक करते हैं पहले. वेलोसिटी की होती है L1t-1 उसका स्क्वायर. एक्सेलरेशन की है L1t-2. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है t-2. देन आपका उसके बाद आ जाता है टाइम, दैट इज t1. इसको सॉल्व करिए देखिए क्या आएगा. L2 t-2 ओवर L1 t-2 इंटू t1. t1 नहीं, यहाँ पे L आएगा आपका. यहाँ पे आपको थर्ड चीज दी हुई है लेंथ. थर्ड थिंग इज L, L1. तो ये L2 ये कट गया और t-2 कट गया. तो ये आपका नंबर जो है ये डायमेंशनलेस आ रहा है. दैट मीन्स
ठीक है, तो हम इनकी डायमेंशन अब पुट करेंगे. अब हमने चेक कर लिया कि दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी डायमेंशनलेस, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. हम इसमें ए, वी और एल की ये डायमेंशन पुट कर दें. सो लेट अस सी व्हाट वी गेट आफ्टर दिस. तो ये सॉल्व करते हैं. तो v स्क्वायर ओवर a l, v स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस वन स्क्वायर ओवर a, a की है अल्फा बीटा माइनस टू, आप स्क्वायर ब्रैकेट से डालो क्योंकि ये डायमेंशंस दी हुई है. देन अल्फा गामा, तो इनको सॉल्व करिए. अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस टू, अल्फा बीटा माइनस टू, अल्फा गामा. तो अब देखें क्या क्या कैंसिल होता है. अल्फा दोनों कैंसिल आउट हो गए, बीटा माइनस टू कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली गामा इन द डिनोमिनेटर. सो यू कैन राइट नाउ अल्फा जीरो, बीटा जीरो, गामा माइनस वन. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट वे. Okay, so this is the solution. Is that clear, students? Have a look. पहले आपने हिट एंड ट्रायल से इनको अरेंज किया, तीन चीजें जो दी हुई है कि कैसे वो डायमेंशनलेस आए. उसके बाद आपने उनकी गिवन डायमेंशन पुट करके अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन निकाल दी. Is that okay, गुरजोत? नाउ हाँ जी, अब आप ही बता सकते हो मुझे इस असाइनमेंट में और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं है. हाँ काव्या, यस काव्या, यस मैम. मैम एक बार एट्थ क्वेश्चन भी करवा दो इसी का. ओके एट्थ क्वेश्चन, ओके लेट अस डू. एट्थ क्वेश्चन इज इफ पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, P is pressure, C we know is the speed of light, and E is radiation energy. E energy है. Incident per unit area. E is not just energy, ध्यान दीजिए. E is energy per unit area per second. Then for what values of x, y and z quantity, P raised to power x, Q raised to power y and C raised to power z will be dimensionless. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. पहले ये देखिए प्रेशर की डायमेंशन क्या है. प्रेशर इज एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू. स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन है एल वन टी माइनस वन, सेम एज दैट ऑफ स्पीड. और एनर्जी की, ई की डायमेंशन है एनर्जी एम वन एल टू टी माइनस टू. पर यूनिट एरिया जिसकी डायमेंशन है एल टू. पर यूनिट टाइम जिसकी डायमेंशन है टी वन. ठीक है, चलिए. तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट ई की डायमेंशन है एम वन टी माइनस वन माइनस थ्री. ये एनर्जी की डायमेंशन हो. देखो पहले यहां तक इफ दिस स्टेप इज क्लियर टू यू आर नॉट. देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप क्लियर है बच्चे? देख लो काव्या, ये स्टेप क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब हम पी रेस्ट पर एक्स और वो ये जो है वो सारा सॉल्व करते हैं. और ये किसके इक्वल है देख से, दैट इफ दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस. बस आपने इसको किसके इक्वेट करना है, डायमेंशनलेस इक्वेट करना है आपने इसको M0, L0, T0. चलिए पुट करिए इसमें सारी डायमेंशंस पुट कर दीजिए. क्या क्या आ रही है आपकी, P की क्या है M1, L-1, T-2 raised to power X. ठीक है, Q की क्या है, Q क्या है यहाँ पे, What is Q here and C.
अच्छा इन्होंने सिंबल जो है वो अलग दिए हुए, क्यू मतलब यहाँ पे वो जो ई एनर्जी दी हुई है ना उसको क्यू लिख दिया है, आप इसको क्यू करिए, ये क्यू है क्वेश्चन में, ये एक चेंज कर लीजिए, ये क्यू होना चाहिए, दिस इज क्यू जो अभी हमने निकाला था, राइट। चलिए तो इसकी डायमेंशन है एम वन टी माइनस थ्री रेस्ट टू पावर वाई एंड स्पीड ऑफ लाइट एल वन टी माइनस वन रेस्ट टू पावर जेड दैट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो कलेक्ट करिए और थ्री इक्वेशंस बनाइए जैसे हम प्रूफ द फॉर्मूला वाले मेथड में करते हैं वैसे ही। तो ये आपकी बन गई एम रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, एल रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस जेड और टी रेस्ट पावर माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। Equating the powers now we get three equations x plus y equal to 0 minus x plus z equal to 0 and minus 2x minus 3y minus z equal to 0। अब ये तीन equations हैं, इनको आपने solve करना, ठीक है। अब ये तीन equations आ गई आपके पास, आपने इनको solve करना। तो अब आप देखोगे मैथ्स में जैसे आप सॉल्व करते हो आप देखोगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा होगा आपको, तो आपका यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन। तो यहीं पे आप छोड़ दोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, तो आपका एक्स इक्वल टू माइनस वाई आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू जेड आ रहा होगा, इक्वल टू वन आ रहा होगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशंस दे सकते हो। ये आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का सेक्शन है ना ये, तो मैथ्स में आप ऐसे सॉल्व करते हो ना, तो सेम थिंग यू हैव टू यूज इट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशंस अंडर रूट जी बाय आर, ठीक है। नेम द क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस अंडर रूट जी बाय आर, और ऑब्वियसली यहाँ पे अंडर रूट जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर क्या होगा, अर्थ का रेडियस ही होगा यहाँ पे, है ना, तो वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल वन टी माइनस टू एंड अर्थ का रेडियस है, उसकी डायमेंशन लेंथ की होगी, सो लेंथ गेट्स कैंसल्ड हियर और अंडर रूट भी है यहाँ पे, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस टू दैट इज टी माइनस वन, सो इट माइट बी फ्रीक्वेंसी, इट मे बी एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो, so that quantity may be frequency or may be angular velocity also, तो कोई भी आंसर आप इनमें से दे सकते, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी अर्शदीप आपका क्या डाउट है, हाँ बोलो मैम। एक बार क्वेश्चन नाइन्थ भी करा दो, नाइन्थ। अच्छा सारी असाइनमेंट मुझसे ही करवा लेनी है आपने, हाँ खुद ट्राई करो। चलो बर्नौलीज इक्वेशन इज दिस, आपको निकालना क्या है इसमें, राइट द डायमेंशन ऑफ के बाय पी। चलिए करते हैं ये वाला, सो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इक्वल टू के विच इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। कि P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, V वेलोसिटी है, हाइट है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ K बाय P, ये निकालना, ठीक है। तो ये तो बच्चे ओरल क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए आंसर नहीं दिया हुआ है मैंने यहाँ, ठीक है ना, इसीलिए आंसर नहीं दिया हुआ। एक सेकेंड Come back to this question. इसमें आपका क्या है,
ये जो के बाय पी है, देखो आपकी डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, के की डायमेंशंस वही होंगी जो प्रेशर की हैं। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म आर सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो के बाय पी जो है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। आपको चाहे और किसी के डायमेंशन पता हो या ना हो, आप ये तो यहीं से बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ईच टर्म विल हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड, तो p और k की डायमेंशन सेम होने वाली है, तो उनकी रेशियो वन ही आएगी, मतलब की डायमेंशन लेस। सो दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन बाय, बट आई एडवाइस यू टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ k ऑल्सो बाय कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म विद k। k और सेकेंड टर्म की डायमेंशन कंपेयर करके प्लीज k की डायमेंशन निकाल लीजिए। इफ यू से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो k की डायमेंशन रो v स्क्वायर के इक्वल है, डेंसिटी m1l minus 3 और velocity का square l1t minus 2 का square, so that is m1l minus 3 into l2 into t minus 4, that becomes m1l minus 1 t minus 4। तो ये आपकी k की dimension आ रही है। एक मिनट यहाँ पे देखिए जरा, mass over volume और v velocity है ना, यहाँ पे l1t minus 1 आएगा यहाँ पे। यस, वेलोसिटी की डायमेंशन l1t minus 1, तो ये हो गया t minus 2। यस, नाउ इट इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो k की डायमेंशन यस प्रेशर वाली आ रही है, तो अब आप रेशियो निकाल सकते हो, वो है 1। सो दिस इज डायमेंशन। Okay, I hope this is clear now. This whole assignment is clear. What about the assignment of dimensions, errors and significant figures? बच्चे वो कर ली है तो क्या वो भी discuss कर ले हम? Significant figures और errors की छोटे छोटे से questions थे, क्या आपने वो try कर ली है बच्चे? Yes, anyone? If anyone has tried, raise hand. If anyone has tried the dimension error and a significant figure assignment, please raise your hand. Gurjot, आपने कर ली है? Gurjot, have you tried? हाँ जी बच्चे? No, आज करूंगा। वो कल एक्चुअली लेट बहुत आई थी असाइनमेंट, 7:30 के अराउंड आई थी। तो आधे घंटे का काम है, हाफ एन आवर वर्क है बस। वो उसमें बस आपको बताना है नंबर कितना है, ऐड करके आंसर बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है, उसमें कोई ज्यादा काम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज कर। हाँ चलिए, एंड स्टूडेंट्स टुमारो वील बी डूइंग एक्सरसाइज, तो कल हमने एनसीईआरटी आपने साथ में रखनी है, हम उसके क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ ये फोर्थ थर्ड असाइनमेंट एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज योर नेक्स्ट टेस्ट ऑन मंडे इज गोइंग टू बी फ्रॉम एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो नोट कर लीजिए मंडे का टेस्ट है आपका एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब ऐसे करते हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट, तो हम एरर्स की असाइनमेंट से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहती हूँ जो आपको इस असाइनमेंट के लिए यूजफुल रहेगा। कल मैं आपको कह रही थी ना, एक टिपिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है एरर्स का, वो करिए। यस, लिखो राइट ऑन। इन एन एक्सपेरिमेंट टू रेजिस्टेंसेस आर In an experiment, two resistances are R1 equal to 5.0 plus minus 0.2 ohm and R2 is equal to 10.0 plus minus 0.1 ohm. These are two resistances. Find total resistance, find equivalent resistance when first part connected in series and second part when connected in parallel. तो हमें equivalent resistance obviously within error limit बताना है when they are connected in series and then in parallel. Series में तो simple है, series में आपका equivalent resistance होता है sum of individual resistances. तो आपका answer क्या होगा, 15.0
प्लस माइनस 0.3 एरर्स को भी ऐड करना है, क्वांटिटीज को भी ऐड करना है, तो सीरीज में तो क्लियर है। मेन थिंग है कि पैरेलल में कैसे करें, यू नो पैरेलल में हम उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपका आरपी आ जाएगा आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू। तो अब इसमें एरर कैसे लिखेंगे, तो यू सी नाउ दिस इज आरपी इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, आर वन और आर टू को मल्टीप्लाई किया हुआ है और R1 प्लस R2 एक थर्ड टर्म है जिससे डिवाइड किया, पर हमें पता है कि हम सभी एरर्स को ऐड ही करते हैं, तो एरर इन R1 प्लस एरर इन R2, वेदर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं ना, वही इंफॉर्मेशन यूज की, प्लस एरर इन R1 R2, R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R2। सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज, में वैल्यूज पुट करते हैं फिर देखते हैं क्या। सो पुटिंग द वैल्यूज आर वन, डेल्टा आर वन है 0.2 ओवर 5.0 प्लस 0.1 ओवर 10.0 प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, ये डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू क्या है 0.3 ऑल टूगेदर यू विल राइट हियर, उनको सम करके ओवर आर वन प्लस आर टू दैट इज 15.0। तो ये आपने सॉल्व करना है, आपको ये डेल्टा आरपी ओवर आरपी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को और परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सो द क्वेश्चन वाज फाइंड द परसेंटेज एरर इन सेकंड पार्ट, मोस्टली यही पूछा था। ठीक है, चलिए अगर पहले पार्ट में परसेंटेज एरर निकालना होता तो क्या करते, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आता आपका 2%। अगर ए पार्ट में परसेंटेज एरर निकालना होता तो इसके बाद हम निकाल सकते थे, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ये दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अब इसको सॉल्व करिएगा, तो ये आ जाएगा 4+1, राउंड ऑफ करके बता रही हूँ, +1+2, तो ये आ जाएगा 7% अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं साथ से। तो आपका आंसर है बी पार्ट का 7%। तो हैव अ लुक। यस दिवांशी, हाँ जी दिवांशी बोलो। हाँ दिवांशी बोलो, दिवांशी अनम्यूट योर सेल्फ। एक मिनट, ये मैं जस्ट लेट मी राइट। और प्लस माइनस, हाँ जी बोलो, कहाँ गई दिवांशी? यस दिवांशी, वेर आर यू? अनम्यूट करो। दिवांशी यू आर अनम्यूटेड नाउ, यू कैन स्पीक, आई कांट हियर। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाना था, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो नाउ यू हैव डन दिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व द होल असाइनमेंट वेरी इजीली। ठीक है, चलिए ये सारी असाइनमेंट अब आपने आज सॉल्व करनी है और कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कल के बाद नहीं डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कल के बाद नहीं डिस्कस हो पाएगी, प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई टू, ठीक है, इज दैट ओके? एंड वाई गुरजोत ऑलवेज, आज जपन जोत आप डालोगे असाइनमेंट, ठीक है? सो एवरी टाइम डिफरेंट स्टूडेंट्स विल बी सॉल्विंग द असाइनमेंट एंड पुटिंग इन द ग्रुप।